दिल्ली के ओखला रेलवे स्टेशन पर ईएमयू का एक डब्बा जो है वो पटरी से उतर गया। वजह क्या थी, क्यों पहिया जो है वो पटरी से उतरा, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। दिल्ली के ओखला रेलवे स्टेशन पर ईएमयू का एक डब्बा जो है वो पटरी से उतर गया। इस समय रेलवे के जो अधिकारी हैं वो सभी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये ईएमयू है जो कि पलवल से गाजियाबाद की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस ईएमयू का जो विक्रेता डब्बा है उस डब्बे का एक पहिया जो है वो पटरी से नीचे उतर गया, जिसके बाद पूरी जो ट्रेन है उसको खाली करा लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। किस वजह से जो पहिया है वो पटरी से नीचे उतरा, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। हालांकि पूरी ट्रेन को खाली करा लिया गया है। जो लोग पैसेंजर यहां से उतरे थे उनके लिए दूसरी ट्रेन का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। ईएमयू थी, भीड़ काफ़ी थी इस ट्रेन में। जब पटरी से जो पहिया उतरा था उसके बाद कोई घायल नहीं हुआ है, ये जानकारी दे रही है दिल्ली पुलिस और रेलवे भी। वजह क्या थी, क्यों पहिया जो है वो पटरी से उतरा, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। ये कोई पहला वाक्या नहीं, इसके पहले भी चाहे वो नई दिल्ली इलाके का जो रेलवे लाइन हो वहाँ पर भी इसी तरीके से हादसे हो चुके हैं। जो कि पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो ये इन हादसों में लगातार इजाफा हुआ है। वजह क्या रही है, इसको लेकर अब रेलवे प्रशासन जाँच कर रहा है।